हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई, धूल वूल हो रही थी इन पे सारे सामानों पे, तो मैं ये साफ़ सफाई कर रही हूँ यहाँ पर। कल को नौ दुर्गे हैं तो उससे एक दिन पहले कर दूँगी साफ़ सफाई। मम्मी से नहीं होता इतना काम, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और घर में जाले वाले भी लग रहे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ। तो एक दिन मैं ये साफ़ सफ़ाई करने में लग गई हूँ। इसमें लगे मुझे 3-4 घंटे कम से कम साफ़ सफ़ाई करने में, क्योंकि दादी आई हुई हैं। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है, उन्हें उठाना बैठाना, उनसे खाना भी नहीं खाया जाता और टॉयलेट वगैरह भी नहीं जाती हैं वो, बस सब कुछ मम्मी ही करती हैं उनका। दिखाऊंगी मैं आपको क्या हालत है उनकी। और यहाँ मैंने साफ़ सफ़ाई कर धुल दी रही हूँ, है, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, मशीन लगाई है। ये अम्मा लेटी हुई, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये लेटी रहती है। ये देखिए इनसे बिल्कुल उठा भी नहीं जाता है। और ये टॉयलेट जाएंगी और पापा और मम्मी दोनों इनको बैठा रहे हैं टॉयलेट के अंदर, ले जा रहे हैं, लेकिन इनसे जाया नहीं जा रहा है और ये यहीं पर बैठ जाएंगी। इनकी इतनी हालत ख़राब है। और यहाँ लगाई थी मैंने मशीन, सारे कपड़े धुल दूंगी, जैसे चादर वगैरह हैं, ये पर्दे वर्दे, तो मैंने रात को ही लगा ली थी ये मशीन, नहीं तो दिन में और भी काम हो जाते हैं सुबह में। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े धुल दूंगी और साफ़ सफ़ाई हो जाएगी, तो कल से हमारे व्रत स्टार्ट हो जाएंगे। यह है नवदुर्गा से एक दिन पहले की वीडियो। और कपड़े धोने के बाद आ गई थी मैं इधर रूम में, तो ये फ्रिज गंदा हो रहा था तो इसको भी साफ़ कर रही हूँ मैं। तो फ्रिज तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, देखिए कितने अच्छे से क्लीनिंग की है, सारी चीज़ें निकाल निकाल करके धोई हैं मैंने। ये इधर भी बिल्कुल साफ़ हो गया है बहुत अच्छे से। तो चलिए बाकी का काम कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, सो करके उठी थी, झाड़ू वाड़ू लगा ली है और ये फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था, इसको साफ़ किया है मैंने। फ्रिज साफ़ करके अब मैंने झाड़ू वाड़ू लगा करके अब ये सारा सामान पोछूंगी और झाड़ू पोछा लगाऊंगी, अच्छे से पोछ ऊछ करके पोछा लगा दूंगी। ध्रुव सो रहा है, उठा नहीं है अभी ध्रुव, इसके उठने से पहले पहले कर दूंगी सारे काम, फिर बाद में परेशान करता है ध्रुव। और इधर लेटी हैं अम्मा जिनकी तबीयत ख़राब है, जो कि दादी हैं, इस हमारी दादी हैं इसके पापा के ध्रुव के, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी आई हुई है पे और वो भी सो रही हैं, आराम कर रही हैं। तो जी हमारा है व्रत और मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ। तो कुट्टू का आटा डाल दिया है और इसमें डाल दिया है नमक, जो व्रत वाला नमक होता है वो। और इधर रख दी है मैंने कढ़ाई, इसमें रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मेरा व्रत है और मम्मी का है और पापा का भी है, सबका हमारा व्रत है, तो शाम का टाइम है, तो चलिए बना लेते हैं। और ये वाली जो वीडियो है, जो पकौड़ी वाली, ये है नवदुर्गा जब स्टार्ट हुए थे उस दिन की, और उससे एक दिन पहले वाली वीडियो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, पहले जो हमने एक दिन पहले साफ़ सफाई की है सारी, फिर हमारे व्रत हो गया था स्टार्ट अगले दिन से। मम्मी व्रत थी और हम सभी थे लगभग,
और जी यहाँ पे बन रही है हमारी पकौड़ी रात के लिए खाने में, जो हम खाएंगे व्रत में। तो जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।